हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अब आप यहां से बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसके शेयर प्राइस को यहां से एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं। तो वो अपडेट्स क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। क्वार्टर टू पे भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। आने वाले टाइम में क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न दिखा सकता है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसकी Q2 अपडेट के बारे में बात करें तो मैं यहां पे आपको बता दूं तो कंपनी ने यहां पे डिक्लेरेशन दे दिया है आने वाले 12 नवंबर यानी कि 12th नवंबर को आपको इनके Q2 नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से वो ये है कि Q1 के कंपैरिजन में जो Q2 आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड आएगा, क्योंकि कंपनी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कंपनी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो चांसेस यहां से यही निकल के आते हैं कि जो Q2 नंबर्स हैं वो Q1 के कंपैरिजन में अच्छे होंगे और वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे ग्रोथ पे ले जाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें इसके जो करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, मतलब अगर आप देखोगे मुहूर्त ट्रेडिंग में भी इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न देखने को मिला था, करीबन 1.43% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था और जो शेयर है वो आपको 7.10 रुपये पर क्लोज होते हुए नजर आया। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी तो ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। मैं एक एक करके जो अपडेट्स है वो बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा बयान निकल के आया है जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया में अगर यहाँ पे आने वाले टाइम में ग्रोथ देखनी है, ओवरऑल सारे सेक्टर को कंपैरिजन में ग्रोथ देखनी है तो इंडिया को जो अपना मोस्ट ऑफ द फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट है उसको बहुत हद तक इंक्रीज करना पड़ेगा इंडिया को आने वाले टाइम में, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो अगर हम क्लाइमेट चेंज देखें, पॉल्यूशन देखें, इन सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसको बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला है। अब जैसा कि आपको पता ही है सुजलोन एनर्जी आपको विंड टर्माइन बनाती हुई नजर आती है, ये सारी चीज़ों में आपको डील करते हुए नजर आती है। तो यहां से जैसे जैसे इस पर्टिकुलर चीज की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी तो इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस कंपनी को अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखोगे, रेवेन्यू देखोगे तो वो इंक्रीज करते हुए नजर आएगा, बिजनेस ग्रो करते हुए नजर आने वाला है। अब सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला निकल के आने वाला है। सरकार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो तो आपको पता ही है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में एक बड़ा बदलाव आ सकता है जिसमें अगर आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी को यूज करना एक कंपल्सरी कर दिया जाएगा, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको यही सारी चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपनी चीज़ों को जो आगे बढ़ाने के लिए। तो जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हैं आपको यहां पे विंड टर्बाइन देखने को मिलते हैं, सोलर एनर्जी देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हैं जो कि यहां पे अब बहुत हद तक यूज में आने वाली हैं। आपको यहां पे पता ही है कि क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं उसको बहुत ज्यादा ध्यान में लिया जा रहा है हर एक कंपनी की वजह से। अगर आप देखोगे तो सरकार भी इस चीज को बहुत हद तक ध्यान में रख रही है, जिसकी वजह से अगर आप यहां पे देखो तो ग्रीन एनर्जी को यूज करना एक कंपलसरी होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये एक डिसीजन है जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है सुजलोन एनर्जी पर, क्योंकि अगर इस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये कंपनी यहां से आपको ग्रो करते हुए नजर आने वाली है।
बाकी मैं तीसरी अपडेट आपको यहाँ पे बताऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सुज़लोन एनर्जी का जो नाम है वो टॉप 10 कंपनी जो विंड टरबाइन में आती है उनमें टॉप 10 कंपनी की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ग्रोथ शो कर रही है और जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका बिजनेस है प्लस यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग फ्यूचर में डिमांड आने वाली है, डेफिनेटली ये कंपनी आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकती है। यहाँ पे अगर रिटर्न्स की बात की है तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि कंपनी ने यहाँ पे आपको एक साल के अंदर करीबन 122% तक के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगर हम इसको शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म में देखें तो इतना ज़्यादा कोई भी रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो आपको 5-10% के बीच के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक साल के अंदर आपको यहाँ से 122% तक के रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है, अगर आप यहाँ से 1-2 साल और रुक जाते हो तो डेफिनेटली ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दे सकता है। प्लस अगर आपने इसमें लॉन्गर पीरियड टर्म का विजन बना लिया लाइक 5 साल तक का, तो ये शेयर जो अभी आपको 7 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है वो आपको 100 या 150 रुपए के लेवल को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर कंपनी का जो बिजनेस है और यहां से जो डिमांड है वो डेफिनेटली इस कंपनी को अलग लेवल पर ले जा सकती है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें, पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल के आया है, उन्होंने बोला है कि 2070 यानी कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएगी, यानी 2070 तक इंडिया एक ऐसी कंट्री बन जाएगी जहां पे अगर आप देखोगे ओवरऑल नेट कार्बन एमिशन होगा वो जीरो होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर चीज को भी हमें अचीव करना है तो हमें पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जीज पर, यानी कि अगर सोलर एनर्जी की बात करें, विंड टर्बाइन के बारे में बात करें जो कि यहां से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो इन सब चीजों पे ही पूरा फोकस शिफ्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। और जिस अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चीज पे बहुत ज्यादा फोकस आने वाला है आने वाले टाइम में। तो फ्यूचर का अगर आप यहां से विजन लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती है, लेकिन अगर आप यहां से ये सोच के चल रहे हो कि आने वाले 4-5 महीने के अंदर मुझे 50-60% तक का रिटर्न मिल जाए, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन आप इस पर्टिकुलर कंपनी से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी अभी यहां पर जिस अकॉर्डिंग बिजनेस है वो काफी हद तक ग्रो करने वाला है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। तो आप यहां पर कुछ अपना एलोकेशन इसमें कर सकते हो, प्लस यहां पर Q2 नंबर्स आएंगे तो वो वहां से पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, जो कि सबसे बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आ रही थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। लॉन्गर पीरियड टर्म के लिए इसको टारगेट करें, शॉर्टर के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ है वो डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म में इतना ज़्यादा कोई खास चीज़ नज़र नहीं आती है। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।